नमस्कार, न्यूज टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दिव्या और आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दो कुख्यात साइबर अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे, दर्जनों फर्जी दस्तावेज बरामद। जिला बार एसोसिएशन चुनाव में 16 पदों के लिए 88 उम्मीदवारों के भाग्य मतपेटी में कैद। रोज डे पर गुलाब फूल की मांग बढ़ी, लाल गुलाब के मूल्य आसमान पर। और स्वरोजगार के लिए मशरूम की खेती बना आमदनी का अच्छा जरिया। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर साइबर पुलिस ने साइबर अपराध में संलिप्त दो लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से दर्जनों मोबाइल और दस्तावेज बरामद किए गए हैं। सोनू महतो और प्रदीप मजूमदार के पास से बैंक में करोड़ों के लेन देन की जानकारी मिली है और दस्तावेजों की जांच से पता चला कि सभी फर्जी तौर पर बनाए गए हैं। साइबर पुलिस को बैंक से जानकारी मिली थी, उसके बाद छापामारी की गई। एक आरोपी प्रदीप मजूमदार पहले रेलवे में जॉब करता था। टूपुर के प्रबंधक एक अज्ञात आदमी को देखकर फंदे व्यक्त किया कि इसके अकाउंट में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है। हमारी टीम जाकर उस व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ किए तो उनके घर से, जिसका नाम सोनू महतो है, विभिन्न बैंकों का करीब पासबुक, 30 अदद चेकबुक, 9 अदद, 11 मोबाइल, पैन कार्ड, ATM कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड को प्रिंट करने वाला प्रिंटर और बहुत सारा सामान, आधार कार्ड वगैरह जब्त किया गया है, जिसके निशानदेही पे हम लोग विधिवत जब्त किए। और उनके बयान के आधार पर मुख्य अभियुक्त प्रदीप मजूमदार, जिसको हम लोग करीब 1 साल से गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत थे, उसको आज घाटशिला थाना के उनके घर से गिरफ्तार किया गया है। जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में 16 पदों के लिए 88 उम्मीदवार मैदान में हैं। शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान संपन्न हुआ। जिला बार एसोसिएशन का चुनाव गहमा गहमी से भरपूर रहा। शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान कराया गया। 16 पदों के लिए इस बार कुल 88 उम्मीदवार मैदान में हैं। जिला एसोसिएशन में लगभग 1560 मतदाता है। मतदान का कार्य लगभग शाम 5 बजे तक चला। अंतिम समाचार मिलने तक 65% मतदान की उम्मीद जताई जा रही है। देर शाम तक चुनाव परिणाम आने की उम्मीद है। एकदम संतुष्ट है। बार एसोसिएशन का चुनाव है, जेन्युइन है, वो होना भी चाहिए और जेन्युइन आदमी आज बार एसोसिएशन का चुनाव है, जिसमें सभी पदों के लिए प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर और 9 कमेटी मेंबर का चुनाव हो रहा है। वैलेंटाइंस वीक के तहत शुक्रवार को रोज डे मनाया गया। गुलाब के विभिन्न रंगों की अपनी भाषा होती है, जिसका उपयोग युवा पीढ़ी इस दरमियान करते हैं। वैलेंटाइंस वीक के तहत शुक्रवार को रोज डे मनाया गया। बाजारों में गुलाबों की मांग काफी बढ़ गई है और एक गुलाब 40 से 50 रुपए में बिक रहा है। शहर में विभिन्न स्टॉल्स में युवाओं की भीड़ उमड़ने लगी है। युवा लाल गुलाब को तरजीह दे रहे हैं, जो प्रेम का प्रतीक है। आज रोज डे है। वैसे आशिकों के नवरात्रि स्टार्ट हो चुके हैं, तो आज से ये पहला दिन है रोज डे, तो आज मैं रोज ले रही हूँ, जो कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए ले रही हूँ। कैसा दाम लग रहा है आज के दिन पे? तो जस्ट डबल लग रहा है, लेकिन स्टिल, जो कि सारे फंक्शन स्टार्ट हो, क्योंकि सारे ओकेजन स्टार्ट हो चुकी है, अब तो फिर लेने पड़े। क्या है हमारे यहाँ तो रोज़ बैंगलोर से आती है, पुणे से आती है, रायपुर से आती है, और ऐसे नॉर्मल डेज में तो रोज़ कम दाम पे बिकती है, बट आज के वजह से थोड़ा सा रेट बढ़ा हुआ है। क्या रेट है आज का? रेट आज का 25 रुपये, 30 रुपये, और अच्छे से पैकिंग वैकिंग करके 50 रुपये तक भी जाती है। और अदर्स डे में कितने दिन बिकता है? अदर्स डे में नॉर्मल 15-20 ऐसी रेट में रहता है। शहर में इन दिनों मशरूम सेवन का प्रचलन काफी बढ़ गया है। होटलों और ढाबों में ग्राहक मशरूम की डिश पसंद करते हैं। इधर शहर में कई लोग स्वरोजगार के लिए मशरूम की खेती करने लगे हैं। मानगो क्षेत्र में दिलीप कुमार शर्मा ने एक छोटे से कमरे में मशरूम की खेती की शुरुआत की है।
प्राइवेट नौकरी करने वाले दिलीप कुमार का ये प्रयास काफी रंग लाता नजर आ रहा है। एक माह के भीतर आमदनी भी होने लगी है। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया से आइडिया मिलने के बाद मात्र 10,000 रुपयों से उन्होंने शुरुआत की। अब मांग बढ़ जाने से रोजाना लगभग 8 किलोग्राम मशरूम बाजारों में बेचकर मुनाफा भी कमा लेते हैं। दिलीप की पत्नी शिक्षिका है और खेती में भी साथ देती है। दिलीप कुमार शर्मा है पास हूँ और मैं अभी कॉन्ट्रेक्टर बेस में जॉब कर रहा हूँ। और मैंने यूट्यूब में देखा कि ये मशरूम का खेती मुझे बहुत अच्छा लगा उसमें देखने में, और काफी प्रोटीन विटामिन से ये भरपूर है, तो मैं सोचा कि इसको थोड़ा ट्राई करने में कुछ जाता नहीं, मैं थोड़ा सा इसमें कुछ लागत लगेगा और मैं जो भी होगा मैं इसको करने की कोशिश पूरा करूंगा। आज ये रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है मुझे। जय मंगल स्पंज आयरन कंपनी में ड्यूटी के दौरान मृत नाइट गार्ड झगड़ू महतो के परिजनों को कंपनी 5,00,000 मुआवजा देगी। पिछले दिनों नाइट गार्ड झगड़ू महतो की मौत ड्यूटी के दौरान हो गई थी। ईचागढ़ की विधायक सविता महतो ने संज्ञान लेते हुए कंपनी प्रबंधन के साथ वार्ता की और प्रबंधन 5,00,000 मुआवजा और शव को पोस्टमार्टम कराकर घर तक पहुंचाने की जिम्मेवारी ली है। कंपनी में आकर्षण घटना घटी है, जो वहाँ पर बच्चा जो 22 साल का लड़का है सिक्योरिटी गार्ड में था, उसका अचानक ऐसे रात का नाइट ड्यूटी था और रात में या भोर में किसी टाइम में उनका घटना घटी थी। जो बंगाल का था लड़का और उनका परिवार आए हुए हैं, आज 3 दिन हो रहा है घटना घट के और उसी का परिवार। कितना में तय हुआ मुआवजा? 5,00,000। गोविंदपुर में सड़क निर्माण कार्य हो रहा है, लेकिन फिलहाल ठेकेदारों के भुगतान पर रोक लगा दी गई है, जिससे निर्माण कार्य अधूरा रह गया है। गोविंदपुर में सड़क निर्माण कार्य अधूरा रह गया है, जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। काम रुक जाने की वजह से जल जमाव हो गया है और नाली का पानी सड़क पर जमा होने लगी है। जल जमाव के कारण रोग फैलने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। लोगों ने उपायुक्त से मिलकर निदान की मांग की है। सड़क बना रही है, इसकी दोहरी मापदंड है सड़क बनाने को लेके। आप देखिएगा भुइयां डी के तरफ से जो सड़क बन रही है ये सुनियोजित तरीके से बन रही है। एक तरफ गाड़ी आने जाने के लिए लोगों को परेशानी न हो इस हिसाब से बन रही है, और एक तरफ जहां चौड़ीकरण करनी है उसको बैरिकेड करके बनाया। आप क्या चाहते हैं, किनसे मिलने आए आप? हम लोग उपायुक्त महोदय से अपनी मांगों को रखने आए हैं। हमने कहा है कि उपायुक्त महोदय खुद एक बार निरीक्षण करें गोविंदपुर की। गोविंदपुर में जो कचरा का अंबार है, इस प्रकार का सड़क का जो फोड़ के छोड़ दिया गया है, ये कहीं ना कहीं इंगित करता है कि इसमें बड़े लोग मिले। शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर एबीवीपी ने चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी है। एबीवीपी के प्रांतीय सचिव वापन घोष ने कहा कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षकों का अभाव है, जिससे छात्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित है। शिक्षकों की कमी की वजह से छात्र सेमेस्टर वाइज तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। पूरे झारखंड भर में जितने भी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय हैं, उन सभी पे 8 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक एक सर्वेक्षण करेगी। सर्वेक्षण के अनुसार ये पता करेगी कितने छात्र हैं उस विश्वविद्यालय में महाविद्यालय में, और कितने छात्र हैं कितने विश्वविद्यालय में, शिक्षक है प्रोफेसर है, उन सभी को एक लिस्ट बनाएगी और उन्हें कितने छात्रों को सही से प्लेसमेंट मिल पा रहा है कि नहीं, वहाँ पे MBA की पढ़ाई होती है कि नहीं, यदि MBA की पढ़ाई होती है तो उन्हें प्लेसमेंट मिलता है कि नहीं, इस सब विषयों को लेकर के क्या उन्हें CBCS के अनुसार जो नियम पाठ्यक्रम शुरू हुए हैं वहाँ पुस्तक उपलब्ध है कि नहीं, ये सभी को रिपोर्ट बनाएंगे। रिपोर्ट बनाने के पश्चात 15 तारीख से 29 तारीख तक सभी महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में हम सभी ज्ञापन सौंपे। गैर कंपनी क्षेत्रों में साफ सफाई को लेकर भाजपाइयों का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को अक्षेस पदाधिकारी से मिला। दिनेश कुमार ने कहा कि पहले नियमित साफ सफाई की जाती थी, पर अब हर तरफ गंदगी और कूड़ा करकट का अंबार लगा है। उन्होंने कहा कि गैर कंपनी क्षेत्रों में हालत बहुत बुरी है।
कि विगत सरकार में जब रघुवर दास जी की सरकार थी, डोर टू डोर कचरा उठाओ एवं डस्टबिन को लगातार खाली करने का प्रावधान था, लेकिन जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार आई, लगातार बिरसा नगर, जोजो बेड़ा, कदमा, सोनारी, ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ पर डोर टू डोर कचरा उठा होते थे और डस्टबिन को निरंतर खाली किया जाता था, वहाँ पर कचरों का। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।